Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning, grade 7. I hope you people are doing good. So, science class is going to be started. Are you ready for science class? So, grade 7, you know, we have learned about mixtures and today we are going to reach page number 86 till 88. Okay? First of all, you people need to take out your books and open page number 86. Grade 7, you know, we have learned about distillation and today we will discuss about fractional distillation. So let's start reading. If more than two liquids with different boiling points are to be separated, a form of distillation called fractional distillation is used instead. Fractional distillation is similar to distillation. Expect that a fractionating column or tower is used to separate the different constituents with different boiling points into fractions or apart. So distillation के process में हम क्या करते थे, किसी भी liquid को या mixtures of liquids को जो है हम separate करते थे, ठीक है, distillation के process से. लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस लिए यूज़ किया जाता है, अगर हमने किसी ऐसे दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स को सेपरेट करना हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होता है, तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, अगर ऐसे लिक्विड्स को हमने सेपरेट करना होता था जिनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होते थे तो हम सिंपल डिस्टिलेशन मैथड यूज़ करते थे. लेकिन ऐसे लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते होंगे तो उनके लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करेंगे वो यूज़ होगा प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो डिस्टिलेशन से सिमिलर ही है, उससे मिलता जुलता ये है, वैसा ही प्रोसेस है. लेकिन माइनर सा जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ होते हैं, या फिर आप उसको टॉवर भी यूज़ कर बोल सकते हो, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या टॉवर बोल सकते हो आप. वो किस लिए यूज़ होते हैं, सेपरेट करने के लिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. अब कोई भी मिक्सचर है या कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स या डिफरेंट लिक्विड्स हैं ना जिनको हमने सेपरेट करना है, तो जाहिर बात है हम एक टॉवर या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करेंगे लाइक दिस. तो तभी जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपने अपने पोर्शंस में अपने अपने कॉलम्स में जो है वो सेपरेट हो जाएंगे. ओके, जैसे ये है, इसमें पेट्रोलियम गैस वो यहाँ पे सेपरेट हो गई है, और पेट्रोल यहाँ पे, केरोसिन यहाँ पे, डीजल यहाँ पे, इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल यहाँ पर. ठीक है, क्रूड ऑयल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. क्रूड ऑयल क्या है, मिक्सचर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स का विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. टू सेपरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल इज़ फर्स्ट हीटेड इन अ फर्नेस. अगर हमने जो जो भी ऑयल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल क्रूड ऑयल के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, उनको अगर हमने वापस सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, क्रूड ऑयल को जो है वो फर्नेस में हीट करेंगे. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर, और जितने भी मतलब उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑयल यूज़ हो रहे होंगे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और सब ऑयल जो हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर बॉयल होना स्टार्ट होंगे, सबका टेम्परेचर एक जैसा नहीं होगा, जैसे कि ये भी है. ठीक है, ये गैस, पेट्रोलियम गैस है, इसका ये टेम्परेचर 150 है, पेट्रोल का 200, डीजल का 300, इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल का 370, यानी कि डिफरेंट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे. ठीक है, एंड आर कलेक्टेड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और टॉवर. तो क्या होगा कि ये डिफरेंट पार्ट्स में, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स में जो है वो सेपरेट हो जाएंगे. ओके, सो एज़ यू नो वी वाज डिस्कस अबाउट एयर विच इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द डिफरेंट गैसेस विच मेक अप एयर हैव मेनी यूजेस. जो गैसेस मिलकर एयर बनाते हैं उनके अपने अपने भी डिफरेंट जो हैं वो यूजेस होते हैं. टू सेपरेट द गैसेस इन एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर इज़ यूज्ड. जब हमने एयर के अंदर जो जो गैसेस यूज़ हो रही होती हैं उनको सेपरेट करना होता है, तब भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं. व्हेन द लिक्विड एयर गेन्स हीट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिक्विड ऑयल बॉयल ऑफ एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एज दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स.
जब हम लिक्विड को जो कि एयर गेन करती है, ठीक है, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उस लिक्विड को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करती है, हीट को गेन करती है और कन्वर्ट हो जाती है किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, और फिर उसको सेपरेटली कलेक्ट कर लिया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज दोज शोन बिलो, ठीक है, और डिफरेंट जो गैसेस एयर बनाने के लिए यूज़ हो रही होती हैं उनके अपने अपने डिफरेंट पर्पजेज भी होते हैं, उनके यूजेस भी डिफरेंट होते हैं। सो लेट्स सी, नंबर वन इज़ नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड टू फ्रीज एंड प्रिजर्व फूड। जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है वो किस लिए यूज़ होती है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए और फ्रीज करने के लिए यूज़ होती है। एंड नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स। और नाइट्रोजन किस लिए यूज़ होती है, जितने भी ये नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स बनते हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज में बनते हैं या फिर हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में के लिए ये यूज़ होते हैं, उनमें भी नाइट्रोजन जो है वो यूज़ होती है। ओके, लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज टू फ्रीज एंड प्रिजर्व फूड। नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स। सेकेंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एयर रिच इन यूज इन ऑक्सीजन टैंक्स फॉर स्कूबा डाइविंग एंड गिवन टू पेशेंट्स हु हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन रिच एयर, वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, हम यूजेस देख रहे हैं ना इन गैसेस के, तो नंबर टू पे हमारी गैस आ रही है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस लिए यूज़ होती है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन टैंक्स में यूज़ होती है। किस लिए, फॉर स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग क्या होती है, ठीक है, स्कूबा डाइविंग ये है कि ये एक्टिविटी ऑफ गोइंग डाउन एंड स्विम अंडर द वाटर, यानी कि बहुत गहराई में ये जाके, वाटर में बहुत ज़्यादा गहराई में जाके वहाँ स्विमिंग करते हैं, ठीक है। ऐसे ये जो हैं वो स्कूबा टैंक्स, इसे स्कूबा ड्राइविंग कहते हैं, और ऐसे ये जो इन्होंने कैरी किए हुए ये ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं, इनके अंदर ही ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि इतना डीपली जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती, इसलिए इनको खुद से ऑक्सीजन टैंक जो है वो अपने साथ कैरी करने पड़ते हैं। और नंबर टू किस लिए यूज़ होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मास्क के तौर पे, ठीक है, जिन पेशेंट्स को सांस लेने में मसला हो रहा होता है, आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स को जब सांस लेने में मसला हो रहा होता है तो उनको डॉक्टर्स क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, ठीक है, उनको आर्टिफिशली जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड एसिटाइलिन इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ वेरी हॉट फ्लेम फॉर वेल्डिंग। अब ये क्या है, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम फॉर वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटाइलिन किसका मिक्सचर है, ऑक्सी ऑक्सीजन और एसिटाइलिन भी एक गैस है, इन दोनों का जो मिक्सचर बनता है वो है ऑक्सी एसिटाइलिन। ये मिलकर जो है वो एक फ्लेम बनाते हैं, ये वो फ्लेम है जो बहुत ज़्यादा हॉट होती है और ये वेल्डिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें जो हैं वो वेल्ड की जाती हैं उनमें जो फ्लेम यूज़ हो रही होती है वो ऑक्सी एसिटाइलिन जो है वो फ्लेम होती है, जो किसका मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन एंड ऑक्सीजन। ओके, प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फ्लेम फॉर वेल्डिंग। नेक्स्ट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स फॉर पुटिंग आउट फायर्स एज इट डज नॉट स्पॉट कम्बशन बर्निंग। सो कार्बन डाइऑक्साइड किसके तौर पर यूज़ होती है, फायर एक्सटिंग्विशर्स के तौर पे, ठीक है, जो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फिजिंग ड्रिंक्स टू मेक दम फिज ड्राई आइस सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू कीप, थैंक गॉड, ठीक है, और जो फिजिक ड्रिंक्स होती हैं लाइक द स्कैन, ठीक है, ये इसके तौर पे भी यूज़ होती है, जब हम कोई भी जो है वो कैन का ऐसे ओपन करते हैं उसका कैप, तो जो साउंड आता है फिस का, ठीक है, ये उसके अंदर भी यूज़ होती है, और ये ड्राई आइस के तौर पे यूज़ होती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं ना, सो ये चीज़ों को ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज़ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या क्या होती हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सब क्या है, नोबल गैसेस हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि गैसेस डैट बिलोंग टू द जीरो ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल
एंड इन जनरल डू नॉट रिएक्ट केमिकली. सो ये सब जो हैं वो नोबल गैसेस हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के ज़ीरो ग्रुप में आती हैं. ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल देखना, उसका जो ज़ीरो ग्रुप है उसमें जो गैसेस आती हैं उनको नोबल गैसेस कहते हैं, बिकॉज़ ये केमिकली रिएक्ट नहीं करती. उनमें हीलियम होगी, आर्गन होगी और नियोन होगी. सो हीलियम का क्या यूज़ है? हीलियम इज़ यूज टू फिल बैलून्स. जो बैलून्स में एयर यूज़ हो रही होती है, गैस यूज़ हो रही होती है फिल करने के लिए, वो हीलियम होती है. आर्गन जो है वो यूज़ होती है इन लाइट बल्ब्स, एंड नियॉन इज़ यूज्ड इन नियॉन लाइट्स लाइक दिस. इस रंग की लाइट्स आपने देखी होंगी ना, मे बी आपने मूवीज़ में या टेलीविज़न पे कार्टून्स में कहीं इस रंग की लाइट्स नियॉन लाइट्स होती हैं देखी भी होंगी. उनमें जो गैसेस यूज़ हो रही होती हैं वो नियॉन गैसेस होती हैं, और लाइट बल्ब में जो गैसेस यूज़ हो रही होती हैं वो आर्गन फिल्ड विद होती हैं, और बैलून्स में जो फिल हो रही होती है गैस वो होती है हीलियम गैस. ओके, सो फॉर जो कि टुडे नोबल आई होप यू गैसेस में पीपल आती गॉट हैं. इट. इफ यू गेट एनी कन्फ्यूजन सो लेट मी नो, आई एक्सप्लेन अगेन अबाउट इट. हैव अ गुड डे ग्रेट समर.